तो काफ़ी दिनों के बाद लौट आऊँ मैं लॉस सैंटोस के अंदर। एक्चुअली मैं भाई 3-4 दिनों के लिए मैं गया था नॉर्थ यंगटन, एंड वहाँ पर कुछ पार्टी वार्टी थी उसको अटेंड करने के लिए गया था मैं। एंड फाइनली अब जाके पहुँच चुका हूँ मैं लॉस सैंटोस। फिलहाल हेलीकॉप्टर लेकर गया था, रेंट पे मिला था मेरे को ये हेलीकॉप्टर, एंड वहाँ पर काफ़ी एपिक वाली पार्टी थी, मज़ा आया। वैसे 3-4 दिन की पार्टी नहीं थी, पार्टी तो एक ही दिन की थी, बट मैंने सोचा भाई आया हूँ हेलीकॉप्टर रेंट पे लेके तो कुछ दिन रह ही लेते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर टिक गया। भाई वहाँ पर बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा था। यहाँ देखो एक लॉस सैंटोस में दबा के गर्मी पड़ रही है। खैर जो भी हो, इसको ब्यूटीफुल तरीके से लैंड करते हैं ज़रा सामने हेलीपैड की तरफ। ओके हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ तो बहुत ब्यूटीफुल कर लेता हूँ, बट लैंडिंग में गड़बड़ हो जाती है, बट आज लग रहा है लैंडिंग एकदम परफेक्ट हुई है शायद। ओके यस भाई लैंडिंग तो बढ़िया हुई है आज, फर्स्ट टाइम एवर। चलो भाई ओ कहाँ जा रहा है ये हेलीकॉप्टर, अबे उतर गया फिर भी उड़ेगा क्या। अच्छा लग रहा है वापस लॉस सैंटोस आके, एंड मेरी गाड़ी मैंने यहीं पर पार्क की थी, वो रही थोड़ी सी अजीबोगरीब कलर की गाड़ी है। ऐसे कलर की गाड़ी तुम लोगों ने देखी नहीं होगी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई। ये रही मेरी गाड़ी, जरा एक बार इसका कलर नोटिस करो, ये देखो भाई कितना डिफरेंट कलर है। एक पल को लगता है कि थोड़े से ऐसे ब्लूइश कलर की गाड़ी है इस एंगल से देखने पे, फिर थोड़ी सी ग्रीनिश गाड़ी लगती है। ये देखो ऐसे ब्लू सी नहीं लग रही भाई, उतनी भी ब्लू नहीं लग रही, बट हल्का सा तुम लोग सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि ब्लूइश ग्रीन ऐसा कुछ कलर है, एंड एक तरीके से ये ग्रीन भी लगती है। काफ़ी यूनिक सी गाड़ी है। खैर जो भी हो, फटाफट अपने घर निकलते हैं। 3-4 दिन से मेरा घर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है भाई, वहाँ पे भूत वूत आके ना रहने लग गए हो। अरे गार्ड भाई क्या हो गया, मैंने तो टक्कर भी नहीं मारी आपको। खोल दो बैरिकेड सर। अरे खोलता नहीं है एक तो ये गार्ड का बच्चा। चलो भाई क्विकली अपने घर की तरफ निकलते हैं, बहुत मिस कर रहा था मैं अपने घर को। भाई जो घर पे पहुंचने के बाद शांति मिलती है, वैसी शांति कहीं भी नहीं है, इसलिए 3-4 दिन के अंदर वहाँ पे घूम के पार्टी वार्टी करके आ गया मैं अपने घर की तरफ। चलो निकलते हैं क्विकली यहाँ से। देखो एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है, ये देखना भाई। ओके लेट्स गो डायरेक्ट हाईवे पे, क्या मस्त शॉर्टकट है। ओके तो घर पहुँचने वाले हैं फाइनली इतने दिनों के बाद। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा फील तो हो रहा है, बट ये क्या है, ये देख के तो अच्छा फील नहीं हो रहा। स्टेयर्स कैसी हैं? ओ भाई क्या है ये घर के ऊपर, अब ये क्या ड्रामा है, स्टेयर्स ही ऊपर की तरफ ये ड्रामा, क्या सीन है ये। हेलो व्हाट हैपन भाई, क्या है ये, सीरियसली में भाई क्या ड्रामा है ये। सीढ़ी ओपन भी नहीं हो रहा ये दरवाज़ा। इधर चलते हैं ज़रा, झाँकने की कोशिश करते हैं। अब यार अपने घर पे नहीं चढ़ पा रहा, रुक जाओ इधर से चढ़ते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है। हियर वी गो लेट्स गो। किसका है ये, किसने लगा दिया 3-4 दिन के अंदर। इसीलिए भाई लॉस सैंटोस से बाहर जाना, अपने घर को छोड़ के जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। बताओ यार 3-4 दिन के लिए नॉर्थ यंगटन क्या गया, ये पता नहीं किसने क्या लगा दिया मेरे घर के अंदर, क्या है इसके अंदर। अबे यार ये अलग ही परेशानी है भाई, क्या है ये, किसने लगाया है, कोई एक्सप्लेन करेगा मेरे को। पड़ोसी से जाके पूछूं क्या। ओए हेलो, ओए किसने लगाया मेरे घर के अंदर, साफ साफ बता दो बेटा, पुलिस बुला दूंगा मैं। हेलो सुन रहा है कोई मेरी बात, इग्नोर मार रहे हैं ये लोग तो मुझे। क्या भाई क्या है ये, किसने किया ये, एक सेकंड इधर चलते हैं। अब यार एक तो बार बार नीचे गिर रहा हूँ मैं इधर जाने की कोशिश में। इधर से चलते हैं, इधर से ये सबसे परफेक्ट है आराम से। ओके नाइस, ज़रा झांकने की कोशिश करते हैं आखिरकार अंदर है क्या, दिखेगा तब झांकूंगा ना मैं। एक सेकंड यहाँ से प्लीज़ अंदर, नहीं झांक सकता यहाँ से तो बिल्कुल नहीं झांक सकता मैं। दरवाजे के अंदर ये जो शीशा लगा है इसके थ्रू देखने की कोशिश, बट स्टिल नहीं देख पा रहा भाई मैं सीरियसली मैं कुछ नहीं देख पा रहा। रुको मेरे पास एक आइडिया है, ये जो झोपड़ी सी बनी है इसके छत के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, एंड देन मे बी वहाँ से हमें कुछ दिख जाए। रुको गाड़ी को पहले छत पे लेकर चलते हैं क्विकली, बहुत ही बढ़िया सी जंप लगाते हैं एंड छत पे लेकर चलते हैं गाड़ी को। कम ऑन, अबे नहीं गई यार, एक और ट्राई लगेगा, थोड़ी फास्ट स्पीड चाहिए। बूस्टर है इस गाड़ी के अंदर, यूज़ कर सकता हूँ मैं टाइम आने पर, बट मुझे लग रहा है विदाउट बूस्ट ही हो जाएगा ये। लेट्स ट्राई वंस मोर, कम ऑन हियर वी गो। आ गए, मैंने बोला नहीं था बिना बूस्टर के ही हो जाएगा ये। अब यहाँ से इसके छत के ऊपर जाने का मेरा तरीका देखना भाई। यहाँ पर ये गाड़ी लगाई एंड कुछ ज़्यादा ही आगे लगा दी गाड़ी, यहाँ पर ये गाड़ी लगाई, यहाँ से क्विकली इधर आ गए एंड यहाँ से कम ऑन। अब यार नहीं पहुँच पा रहा मैं छत पे कैसे पहुँचूँ इस चीज़ के छत पे कैसे पहुँचूँ। रुको मेरे पास एक और आइडिया है, लेट मी ट्राई फ्रॉम हियर। ओके हियर वी गो,
अरे फूट गया खोपड़ा मेरा, किसने लगाया ये, मेरे सामने एक बार आ जाए भाई छोड़ूंगा नहीं मैं। सीरियसली मैं भाई विदाउट परमिशन मेरे घर के आगे ऐसा कौन लगा सकता है? किसकी हिम्मत हुई? ले भाई यहाँ से भी नहीं चढ़ पा रहा मैं इसकी छत पे। मुझे लग रहा है गाइस अंदर शायद झांक सकता हूँ कोई खिड़की वगैरह हो, बट छत तक ही नहीं पहुँच पा रहा है यार मैं। एक बार और फाइनल ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो पाएगा तो नीचे से कुर्सी लाऊंगा और क्या, यही करना पड़ेगा। ये मेरा फाइनल ट्राई, प्लीज़ चढ़ जा यार, थोड़ा सा और लंबा होता तो हो जाता। कोई बात नहीं, मैं नीचे से चेयर लेके आता हूँ। अब बात नहीं बनी ना भाई, अब तो मेरे को गुस्सा आ जाएगी सीरियसली में, अब तो बात बननी चाहिए। अबे अब की बिना चेयर के ही चढ़ गया, व्हाट द हेल भाई, लिटरली में ये देखो चेयर की जरूरत भी नहीं पड़ी, कैसे हुआ ये, क्या ड्रामा हो रहा है। छोड़ो पहले छत पे चढ़ते हैं क्विकली। ओके आ गया छत पे। नहीं यार ऊपर भी कोई खिड़की वगैरह कुछ भी नहीं है जिसके थ्रू मैं अंदर झांक सकूं एंड पता लगा सकूं आखिरकार इसके अंदर है क्या। नहीं भाई ऊपर से भी पूरी छत पैक्ड है, कहीं एक छोटी सी दरार भी नहीं है भाई जिसके थ्रू मैं झांक सकूं। इधर कुछ है क्या? नहीं भाई इधर भी पूरा पैक्ड है ये इलाका। वेट इधर इधर छोटी सी दरार है तो सही, ये देखो यहाँ पर, बट इसमें से कुछ दिख नहीं रहा है। ओपन, रुक जैसे ओपन करता हूँ दरवाजे को। ओपन हो जा ओपन। एक तो ये डबल दरवाजे का क्या सीन है, हो जा ओपन, शीशा तो टूट जाए एटलीस्ट। कुछ नहीं हो रहा, ना ओपन हो रहा है ना दरवाज़ा खुल रहा है, मेरे को गुस्सा आ रही है अब भाई। बहुत कोशिश कर रही, नहीं हो रहा वो दरवाज़ा ओपन। फिलहाल यहाँ पर एक पेपर पड़ा हुआ है, मे बी इसके अंदर टास्क लिखे हो, बट मेरा कोई मूड नहीं है टास्क कंप्लीट करने का। मैं तो आया था यार नॉर्थ एंगटन से मस्त पार्टी वार्टी करके, बट चिल करने का मौका ही नहीं मिल रहा है यार। अब ये मिस्ट्री सॉल्व करो इस गैराज की, इस छोटे से बंकर की, पता नहीं क्या है ये। फिलहाल यहाँ पर एक पेपर पड़ा है, उठाते हैं रीड करते हैं, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ टास्क होंगे। एंड यहाँ पर पेपर के अंदर टॉप पर लिखा हुआ है टास्क टू ओपन द डोर। फिलहाल फर्स्ट टास्क यहाँ पर लिखा है लैंड अ कार ऑन द ट्रेन। वेट व्हाट, लैंड अ कार ऑन द ट्रेन, कोई सेंस है इस बात में? सेंस तो है एक्चुअली में, बात में कार को लैंड करना है एक ट्रेन पे। समझ गया मैं, समझ गया क्या करना है। यस गाइस अंडरस्टूड। सबसे पहले हमें एक गाड़ी चाहिए जिसकी स्पीड अच्छी हो। मैं अपनी गाड़ी तो ऑब्वियसली नहीं लेके जाऊँगा, SUV भी नहीं चाहिए। अपने पड़ोसी की गाड़ी देखूँ, ज़रा बढ़िया लग रही है वो। जैसी गाड़ी चाहिए वैसे ठीक ठाक है, स्पोर्ट्स कार है, पतली सी है, छोटी सी है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी का जुगाड़ हो गया। अब हमें स्टेशन नहीं ट्रेन ट्रैक की तरफ जाना है, एंड उधर कोई ऐसी ट्रेन ढूंढनी है जिसके अंदर वो जो कार्गो वाली जगह होती है वो खाली हो, एंड देन उसके ऊपर हम लोग लैंड करने की कोशिश करेंगे अपनी इस कार को। बहुत ही ख़तरनाक टास्क वन है, बट आई विल डू दिस भाई, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खतरनाक टास्क तो है बट इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, सो लेट्स क्विकली डू दिस। चलो भाई ट्रेन ट्रैक्स की तरफ आ चुका हूँ मैं, अब इंतज़ार है तो ट्रेन का, एंड ट्रेन का अब इंतज़ार है। देखना यह है कि फर्स्ट टास्क कितनी जल्दी कंप्लीट करता हूँ मैं। वैसे काफ़ी मज़ेदार है यार, बैग घर पे रख के आना चाहिए था, मैं तो बैग पीठ पे टांग के घूम रहा हूँ भाई। कोई बात नहीं ट्रेन आ गई लगता है, ऑब्वियसली ट्रेन आ गई, एंड इसमें वो कार्गो वाली जगह भी खाली है, ये देखो बहुत सारी जगह खाली है इसके अंदर। तो चलो भाई लैंडिंग करते हैं इस ट्रेन के ऊपर क्विकली। इस कार के अंदर गाइस बूस्टर है तो लैंडिंग आसान होनी चाहिए। ओ नो नो नो, ब्रिज की हेल्प लेते हैं, रुक जाओ। अरे यार मैं तो पीछे ही रह गया, ट्रेन कब की आगे निकल गई। ओ नो व्हाट एम आई डूइंग ब्रो, वो ट्रेन तो भाग गई भाई, हाथ से गई वो ट्रेन, या फिर अभी भी मैं पकड़ सकता हूँ उसे? यस पकड़ तो सकता हूँ, बट स्टिल क्या करूँ मैं, बीच में हाईवे पड़ रहा है। अब यार मेरे को वो बम्प चाहिए जिस बम्प से ऐसे उछल के, या फिर कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ से उसको मैं रैंप की तरह यूज़ करके एंड गाड़ी को लैंड करूँ ट्रेन के ऊपर एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए। लेकिन ऐसा कोई रैंप नहीं मिला, ना कोई ऐसा बम्प मिला, लेकिन हाँ एक जगह है जहाँ पर मेरे को ऐसा बम्प या फिर रैंप मिल सकता है, एंड वो जगह है माउंट चिलियाट के बगल वाले पहाड़। चलो गाइस उधर निकलते हैं, उधर ही आराम से हो जाएगा ये वाला टास्क, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, बहुत आराम से हो जाएगा। चलो निकलते हैं। देखो भाई इस वाले ट्रेन ट्रैक की बात कर रहा था, इसको फॉलो करते हुए अगर हम लोग आगे जाते हैं ना भाई, तो आगे बहुत सारे ऐसे बम्प्स और रैम्प की तरह जगहें मिलती हैं जहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी को उछाल के, ये देखो यही देख लो ना तुम लोग, बिल्कुल रैम्प की तरह ये परफेक्टली, और ट्रेन भी आ रही है तो मैं तैयार हूँ भाई इस चीज़ को रैम्प की तरह यूज़ करने के लिए। ट्रेन आ रही है, बस इसके अंदर वो कार्गो वाली जगह हो, मज़ा आ जाएगा, ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए। यस कार्गो वाली जगह भी है, बीचों बीच है, बल्कि हेल्पफुल रहेगा ये। कम ऑन लेट्स कंप्लीट द फर्स्ट टास्क एवरीवन। ओह नो, ओह वेट व्हाट,
क्या हो गया ये? अबे यार मेरी किस्मत इतनी वाहियात है भाई, गाड़ी का शीशा तोड़ के मैं बाहर निकल गया पूरा, और वो गाड़ी भी रुक नहीं रही है, नालायक पीछे खिसकती जा रही है। अबे रुक जा यार, वो ट्रेन तो गई हाथ से। कम ऑन, बूस्टर है गाड़ी के अंदर, कम ऑन आई कैन फॉलो डेट। ओ नो, कम ऑन लैंडिंग प्लीज। ओके, फर्स्ट टास्क कंप्लीट करने में ही जिंदगी लग जाएगी मेरे को तो लग रहा है यार, ट्रेन के ऊपर ही लैंड नहीं हो रहा ये। आगे मुझे नहीं लगता अब रैंप की तरह कोई जगह आएगी, बट स्टिल वी कैन ट्राई। ले भाई ट्रेन के ऊपर से निकल गया, ओके वी कैन स्टिल ट्राई भाई। रुको, इधर ये रैम की तरह ही है ये जगह। कम ऑन प्लीज, लेट मी हैव दिस। कम ऑन। ओ यस, नहीं, क्या हो रहा है मेरे संग ये, क्यों हो रहा है मेरे संग ये? ओके अभी भी भाई हार नहीं मानने वाला मैं, अभी भी फुल चांस है। कम ऑन, ओके, ओ यस, हो गया। लिटरली मैं भाई, मेरे को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है ये हो गया है, बट ये हो गया है। थोड़ा सा बूस्ट के यूज़ थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, थोड़ी बढ़िया वाली लैंडिंग होती तो और मज़ा आता, परफेक्ट लैंडिंग जिसे एकदम सेटिस्फाइंग लैंडिंग कहते हैं ना भाई, ऐसी लैंडिंग तो नहीं मिल पाई मुझे, बट एटलीस्ट लैंडिंग तो हुई एंड फर्स्ट टास्क तो कंप्लीट हो गया है। इसको थोड़ा घुमाते हैं, ओके यस, यही तो करना चाह रहा था मैं। एंड अब थोड़ा सा आगे धक्का देते हैं। अब ले भाई गाड़ी अटक गई, कम ऑन गाड़ी, यस, ओके दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ये हुई ना भाई एकदम परफेक्ट वाली लैंडिंग, एंड गाड़ी को अभी यहीं पर छोड़ देते हैं एंड उतर जाते हैं भाई साहब, फिर से चढ़ जाते हैं। अबे ये क्या था, ट्रेन से उतर के वापस से चढ़ गया, बट मेरा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है गाइस, एंड काफ़ी मज़ा आया। एक पल को तो लगा था यार काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ जल्दी हो गया। अब सेकंड टास्क के लिए वापस घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पेपर अपने साथ लाया नहीं हूँ। कोई बात नहीं, घर चले जाते हैं, क्या दिक्कत वाली बात क्या है, थोड़ी सी ट्रेन की हेल्प ले लेते हैं, लेकिन ट्रेन भाई बहुत स्लो है, जितनी ट्रेन की हेल्प लूँगा उतने में तो मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो चलो फिर उतरते हैं, बाय बाय ट्रेन, आई एम गोइंग। फटाफट से हाईवे से गाड़ी उठाते हैं, घर निकलते हैं, पेपर उठाते हैं, पेपर के टास्क रीड करते हैं एंड देन कंप्लीट करते हैं सेकंड टास्क को भी। देखते हैं क्या है सेकंड टास्क, पहले तो एक गाड़ी रुकवाओ, गाड़ी रोक दो भाई। रेंज रोवर, थैंक यू फॉर द रेंज रोवर, नहीं दी, इससे अच्छा तो ट्रेन की हेल्प ले लेता मैं, गाड़ी नहीं रोक रहा कोई मेरे लिए। ओ बाइक, प्लीज बाइक रोक, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू यार, मेरे लग गई, बट कोई बात नहीं चलेगा। बाइक दे, चलना बाइक दे, अबे चलना, हटना पागल, हट बाइक दे। ओके भगा दें इस बाइक को गाइस, लेट्स गो। व्हीली मारते हुए मेरी बाइक, देखो भाई व्हीली कर रहा हूँ भाई, व्हीली। ओके ज़्यादा व्हीली के चक्कर में नहीं रहना, स्टॉप ही, अरे व्हीली स्टॉप ही छोड़ो, क्विकली निकलते हैं भाई इस वक्त अपने घर की तरफ। ओके तो पहुंच गए भाई घर की तरफ, एक 360 डिग्री टर्न, और वाह क्या ब्यूटीफुल था ये, एंड एक और, अरे वाह कितनी ब्यूटीफुल ड्रिफ्ट लगा रहा हूँ आजकल मैं, एक और, नहीं इस बार नहीं हुआ, एंड वापस आ चुका हूँ। पेपर कहाँ है, पेपर ऊपर ही है, चलो भाई। अरे ये दरवाज़ा ऊपर नहीं हो सकता भाई, कुछ भी कर लो, उस पर बाइक देके मारो, रॉकेट चलाओ, कुछ भी चलाओ, वो दरवाज़ा नहीं ओपन होने वाला है। खैर पेपर की तरफ क्विकली निकलते हैं। अबे ले इधर से कैसे चढ़ूँ मैं, इधर से चढ़ते हैं। ओके कहाँ था बोरा, लेट्स रीड द सेकंड टास्क। तो पेपर के अंदर सेकंड टास्क देख सकते हो गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है बीट लॉस गैंग विदाउट यूजिंग वेपन। ओ भाई क्या है ये सेकंड टास्क, यार ये सेकंड टास्क तो बहुत ही खतरनाक है, लॉस गैंग को बीट करना है बिना वेपन्स के यूज किए, मतलब अपने वेपन्स रखने पड़ेंगे इधर ही, वेपन्स भी रख देता हूँ और ये बैग भी रख देता हूँ, कब से पीठ पे लेके घूम रहा हूँ मैं। तो अपनी गन और साथ ही साथ बैग मैंने दोनों रख दिए हैं, अब मेरे पास लिटरली कुछ भी नहीं है भाई, एंड सेकंड टास्क कंप्लीट करने के लिए आई एम रेडी। एक काम कर लेते हैं, पेपर अपने साथ ही रख लेते हैं, वरना फिर आना पड़ेगा मेरे को एक चक्कर काटने के लिए घर पे। पेपर, वेयर इज माय पेपर, चलो जेब में रख लेते हैं इसे, चलो बाइक लेकर ही चलते हैं लॉस गैंग को पीट के, एंड वहाँ से भागने में आसानी रहेगी, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है भाई लॉस गैंग कोई छोटी मोटी गैंग तो है नहीं, बहुत सारे बंदे हैं उनकी गैंग में, तो क्विकली वहाँ से पीट के एंड मेरे को भागना है, क्योंकि बिना वेपन्स के तो भाई वो लोग बहुत बुरी तरीके से कूट देंगे पकड़ के मेरे को, एंड पूरे लॉस सैंटोस में मैं भरी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता भाई, बहुत बुरी वाली बेइज्जती नहीं चाहता मैं, इसलिए उनको पीट पाट के मुक्के से, आर्मर वार्मर तो है मेरे पास, एक आध गोलियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट अगर चारों तरफ से गोलियाँ पड़ेंगी तो फिर तो आर्मर भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए क्विकली उन्हें पीट के आना है, बिना वेपन्स का यूज़ करके सिर्फ फिस्ट फाइट करनी है, एंड देन भाग आऊँगा मैं वहाँ से अपनी बाइक लेके, ऐसे कोने में छुप जाऊँगा तीसरे टास्क को पढ़ने के लिए कि लॉस गैंग वाले मेरे को ढूंढ ही ना पाए। चलो भाई क्विकली आ चुके हैं हम लोग लॉस गैंग के बेस की तरफ, एंड इधर ही है उनका बेस डायमंड कसिनो की तरफ। अब ढंग से चला लो यार गाड़ी, आंटी जी गाड़ी नहीं चलानी आती। ओके
ओके यहाँ से फिर से एक 360 डिग्री ड्रिफ्ट, कम ऑन। उतनी भी कुछ खास ड्रिफ्ट नहीं थी। एंड लॉस गैंग आने वाली है, यस लॉस गैंग नहीं, लॉस गैंग का बेस आने वाला है। और अब भाई बहुत बंदे हैं, तैयार रहो भाई, बाइक को इस तरीके से लगाते हैं कि इनको पीट के मैं फटाफट से यहाँ से निकल सकूँ क्विकली। शांति से बजाना है बस। चलो इनकी ऐसी की तैसी, तेरी गन गन रख अंदर, गन रख। ओ नहीं, पड़ रही है भाई, पड़ रही है गोलियां, गोलियां पड़ रही है, गोलियां पड़ रही है, गोलियां पड़ रही है। जल्दी 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 निपटाना है। टकले टकले, तू बच कैसे रहा है? अरे मेरे मुक्कों में इतनी जान नहीं है। ओके ओके ओके, क्विकली पहले इस टकले को निपटाते हैं। चल बे टकले, मर जा जल्दी। ओके वो काला टकला कैसे बच गया? ये ले। ओके ओके, अबे ये इसको कुछ हुआ क्यों नहीं? अरे यार कैसे कैसे टास्क है। अबे इस काले टकले में कितनी जान है, कितनी गोलियां मारूं इसके मैं। ओके ओके, इनको पीटना था भाई, पीट रहा हूं मैं पकड़ के। ओ नो, सारे बाहर आ गए एक साथ। अबे दम है तो पिस्टल से क्या फाइट कर रहे हो? मुक्के से फाइट करो ना, दम है तो फिस्ट फाइट करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्लीज प्लीज हैव अ फिस्ट फाइट ब्रो। ओ नो, मैं पिट रहा हूँ भाई। ओके ओके ओके, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। आने दो, बाहर आने दो इनको, तभी बजाऊंगा। बाहर आने दो एक बार। यार बाहर ही नहीं आ रही है तो। आ रहा है, एक आ रहा है बाहर। तेरी ऐसी की तैसी, ये ले, इसी बात का तो इंतजार कर रहा था मैं। तुझे क्या लग रहा है मैं तेरे से डर रहा हूँ? तीन बचे अभी, क्विकली ये लो आंटी जी, ये लो आंटी जी, एंड ये लो भाई साहब। ओके बहुत ही बढ़िया। अरे आंटी जी कितनी जान है आप में, बस करो, एक बचा है गाइस। अरे आंटी जी में अभी जान है भाई, ये लेना। ओके ओके ओके, क्विकली क्विकली, एक बचा है बस, एक बचा है, एक बचा है। ओ तेरी तेरी ऐसी की तैसी, ये ले ये ले ये ले ये ले। ओ भाई एक अभी भी उधर गाड़ी के पीछे छुपा हुआ है भाई। ओके वो रहा, वो देखो, अगर तुम लोग देख रहे हो उधर रेंज रोवर के पीछे से, वहां से गोलियां चला रहा है एक। तो इस बंदे में जान कितनी है यार, कब से पीट रहे उसको, कुछ होता क्यों नहीं है? अरे सीरियसली मैं, व्हाट द हेल भाई, इतनी जान कैसे तेरे अंदर ब्रो? ओके गया 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 क्विकली। अबे यार भाई लिटरली मैं फिस्ट फाइट में पीट दिया मैंने इन लोगों को। आखिरी बचा है, इसके संग तो मैं खेल सकता हूँ आराम से। हेलो सर जी, एक थप्पड़ में गया। ऐसे होते हैं ना प्यारे बच्चे, एक थप्पड़ में सो जाते हैं। इधर देखो कितना पीटा मैंने इन्हें। चलो यार अब जल्दी से भाग लेते हैं, इनकी गैंग आ गई तो भाई राइफल ही राइफल चलेंगे। क्विकली 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 क्विकली, चलो 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 चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, भाग लेते हैं। चलो भाई अब किसी कोने में जाके छुप के थर्ड टास्क को रीड करेंगे। इधर नहीं इधर नहीं, इधर बहुत रिस्क है, लॉस गैंग वाले इधर पहुंच जाएंगे मेरे तक तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई कोना नहीं है भाई, हेलो, इधर कोई कोना तो होगा ही। वहां चल के थर्ड टास्क को रीड करते हैं एंड देखते हैं क्या है थर्ड टास्क। लेट्स रीड इट हियर। ओके ये ठीक है, हाँ ये कोना एकदम परफेक्ट है, इधर लॉस गैंग वाले नहीं ढूंढ पाएंगे। झाड़ियों के अंदर छुप के जरा थर्ड टास्क रीड करते हैं गाइस, लेट्स गो। तो थर्ड टास्क देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रोल लॉस सैंटोस पुलिस। व्हाट ट्रोल लॉस सैंटोस पुलिस? बाकी नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब लिखा हुआ है। खैर लाइक एंड सब्सक्राइब तो देखो भाई तुम लोग कर दोगे आई नो, बट ट्रोल लॉस सैंटोस पुलिस ये कैसा थर्ड टास्क है? कैसे ट्रोल करूं मैं लॉस सैंटोस की पुलिस को? वो भी ये तो सोचने वाली बात है यार, वो भी सीधे पुलिस को और वो भी सीधे ट्रोल। हाउ टू ट्रोल एनीवन, सबसे पहली बात तो ये है, ट्रोल करते हैं पागल बना के, बेवकूफ बना के, उल्लू बना के, ठीक है? तो लॉस सैंटोस की पुलिस को उल्लू कैसे बनाऊं मैं, ट्रोल कैसे करूं, पागल कैसे बनाऊं, मजाक कैसे करूं उनके साथ? हाउ कैन आई डू दिस? कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए यार ट्रोल करने के लिए, बट मेरे पास कोई आइडिया नहीं है सीरियसली में। सीरियसली में भाई कोई बंदा किसी को जब ट्रोल करता है, जब कुछ प्लानिंग हो ट्रोल करने की, मेरे पास तो कोई प्लानिंग नहीं है। पहले प्लान बनाना पड़ेगा किस तरीके से ट्रोल करना है एंड देन आई विल ट्रोल। बट कैसे सोचते हैं यार, मैंने आज तक किसी को ट्रोल ही नहीं किया है, कैसे सोचते हैं, कैसे लॉस सैंटोस की पुलिस को कैसे ट्रोल किया जा सकता है? पता नहीं यार, मेरे को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा कैसे किसी को ट्रोल कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है भाई, हेलो हाउ टू ट्रोल समवन, आई लिटरली डोंट नो। ये कहाँ आ गया मैं? अच्छा लॉस सैंटोस वाला। ओ नहीं नहीं, इधर से तो फिर वो लॉस गैंग का अड्डा पड़ेगा। नहीं नहीं, इधर से नहीं जा सकते कुछ दिनों के लिए, अब लॉस गैंग के अड्डे की तरफ नहीं जाने वाला मैं। एक तो उनको पीट के आ गया, वो भी बिना वेपन्स के, ये तो चलो कोई बात नहीं, ऊपर से बिना मास्क के गया था मैं। अब उन लोगों ने पहचान लिया होगा, शक्लें याद रखी होंगी, क्योंकि वो सारे बंदे मरे थोड़ी ना थे, सिर्फ बेहोश हुए थे मुक्के खा खा के, तो डेफिनेटली उन लोगों ने मेरी शक्लें देखी होंगी। छोड़ो उनके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले सोचो पुलिस को ट्रोल कैसे करना है, कैसे। ओए वेट, मेरे पास एक आइडिया है। अभी क्या हुआ, बाइक आगे उड़ती हुई चली गई, मैं यहीं रह गया
एग्जैक्टली ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं भाई। मेरे पास एक बहुत ही एपिक आइडिया आया है। वो पुलिस वाले नीचे ही हैं। खैर छोड़ो, हम लोग तो पुलिस स्टेशन पे जाके एक आध पुलिस वालों को पीट के अपने पीछे पुलिस लगाएंगे, तब ट्रोल करूंगा मैं। सबसे पहले तो मेरा तुम लोग प्लान सुनो गाइस। सबसे पहले मुझे कुछ ऐसे हाईवेज ब्रिजेस ढूंढने हैं जो कि टूटे हुए हों, तब मैं पुलिस वालों को ट्रोल करूंगा। अभी आई नो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई टूटे हुए ब्रिजेस हाईवेज उससे कैसे ट्रोल करूंगा मैं पुलिस वालों को। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। पहले जरा मेरे को जल्दी से एक टूटा हुआ ब्रिज हाईवे या कुछ भी ढूंढने तो फटाफट जो कि टूटा हुआ हो। लेट्स गो। सबसे पहली चीज तो आई नीड अ कार एंड फास्ट कार, नॉट स्मॉल कार एंड स्लो कार, ठीक ठाक गाड़ी एंड फास्ट गाड़ी, जस्ट लाइक दिस। सर आप मेरी बाइक ले लो एंड अपनी गाड़ी दे दो। मर्सिडीज है क्या ये? लग तो रही है, पता नहीं कौन सी है। जो भी हो गाड़ी मिल गई फ्री की। थैंक यू सर फॉर योर कार। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलो भाई। हो खंबा पड़ा गया उसके मुंह पे लग रहा है मेरे को। तो देखो मेरे को एक टूटा हुआ ब्रिज मिल चुका है एंड वो ब्रिज है ये वाला शायद। नहीं ये नहीं है, वो ऊपर वाला ब्रिज है। ले हाँ ये भी टूटा हुआ है एक्चुअली में। तो देखो आइडिया क्या है, पुलिस वाले क्या करते हैं भाई, अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी एंड पीछा करते हैं मेरा जब मैं उनको पीट पाट के आ जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अपने पीछे 4-5 स्टार की पुलिस लगा के मैं दौड़ता हुआ आऊँगा एंड गाड़ी को यहाँ से क्विकली ऐसे मोड़ दूंगा। तो होगा क्या, पुलिस वाला स्पीड में रहेगा एंड उसकी गाड़ी इसके ऊपर से कुछ इस तरीके से श्याम उड़ती हुई जाएगी नीचे की तरफ एंड दैट्स हाउ आई विल ट्रोल लॉस सैंटोस पुलिस। कैसा आइडिया मेरा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जगह पुलिस स्टेशन के काफ़ी पास में भी है तो काफ़ी मज़ा आएगा यार। रेडी हो जाओ लिटरली। मैं भाई लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को आज तक कभी किसी ने ऐसे ट्रोल नहीं किया होगा जैसे आज मैं करने वाला हूँ भाई। उनको आज ये चीज़ हमेशा याद रहने वाली है एंड एक बार नहीं कई बार ट्रोल करूँगा, तुम लोग देखते जाओ। क्विकली इधर आ गए। ये पुलिस वाला है? हेलो। नहीं 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 भाई नो, ये पुलिस वाला नहीं है या फिर है पता है नहीं। अरे सर क्या करके मानोगे, छोड़ो मेरा डोर हैंडल। पुलिस वाले ने देख लिया। अरे पुलिस वाले को तो दिखाना ही था, चलो पीटते हैं, बल्कि उसको ही पीटता हूँ। रुको। हेलो सर आई वांट टू बीट यू। क्या उखाड़ लोगे, 1 स्टार की पुलिस लगाओगे? लगाओ तुम। हेलो दो। ओ सीधे 3 स्टार की लगी, बहुत ही बढ़िया। और चाहिए मेरे को, और चाहिए मेरे पीछे पुलिस वाले दौड़ते हुए आने चाहिए। 3 स्टार पे भी वो दौड़ते हुए ही आते हैं। चलो फिर निकलते हैं क्विकली एंड ट्रोल करने के लिए। रेडी हो क्या तुम लोग? गाइस आर यू रेडी हमारा 3rd टास्क कंप्लीट करने के लिए एंड साथ ही साथ पुलिस वालों को ट्रोल करने के लिए? तो रेडी हो तो फिर चलो भाई। देर किस बात की है, मज़ा आएगा भाई मेरे पीछे पीछे जब वो जंप लगा देगा एंड मैं उधर ही रह जाऊंगा एंड वो नीचे गिर जाएगा। ये सीन बहुत ही मज़ेदार एंड ब्यूटीफुल होने वाला है। रेडी हो जाओ भाई, ऐसा सीन होगा देखना तुम लोग। मैं क्रिएट करके रहूँगा एंड ट्रोल करके रहूँगा, अपना टास्क ही यही है तो करना तो बनता ही है। चलो क्विकली उस टूटे हुए ब्रिज की तरफ चलते हैं। बस 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 पीछा कोई कर रहा है। अबे मेरे पीछे पुलिस वाले क्यों नहीं है? अबे फॉलो कर भाई पुलिस वाले। हेलो आजा। कहाँ गया वो टूटा वो ब्रिज? इधर की तरफ से। चलो चलो आजा भाई पुलिस वाले। अबे थोड़ा फास्ट आओ यार। ओके रेडी गाइज, रेडी। आ रहा है बिंदास आ रहा है। कम ऑन आ रहा है मेरे पीछे ही आ रहा है। कम ऑन। अबे सामने से हट जा। कम ऑन एंड हियर वी गो। अबे यार इस नालायक ने गड़बड़ कर दी सारी की सारी गधी। फिर से आ जाओ पुलिस वाले भाइयों। अरे यार क्या मस्त वो कूदता उसके ऊपर से, बीच में वो पता नहीं कौन गधा आ गया गाड़ी लेके। अब पुलिस वाले आओ भाई मेरे पीछे, मैं दिख ही नहीं रहे कहीं भी ये लोग। अबे आओ ना मैं इधर हूँ, आओ मेरे पीछे आओ, इधर हूँ मैं, गोली चला तो रहा हूँ, आओ। अरे यार ट्रोल कर भी पाऊंगा कि नहीं लॉस सैंटोस के गधों की वजह से? ओके ये पुलिस वाला आ रहा है। कम ऑन सर प्लीज फॉलो मी, फास्ट सर फास्ट। ओके फास्ट सर फास्ट। आ रहा है तेजी के साथ आ रहा है गाइस। बस ये बीच में से कोई गड़बड़ ना कर दे। हट जाओ। अरे यार यही ट्रैफिक लगा दिया नालायकों ने। क्विकली इधर से इधर। नहीं कोई फंस रहा मेरे जाल में इस ट्रैफिक की वजह से, हाल हो रहा है ये। अबे यार क्या करूं मैं, मेरा तो प्लान ही फ्लॉप कर रहे हैं ये लॉस सैंटोस के लोग, नालायक लोग। एक एक टास्क कंप्लीट करना, कितना बढ़िया आइडिया मिला है पुलिस को ट्रोल करने का, बट स्टिल ये लॉस सैंटोस के लोगों की वजह से सारी की सारी गड़बड़ हो रही है। अब तो 4 स्टार की भी पुलिस आ गई मेरे पीछे। चलो आ रहा है एक पुलिस वाला फिर से। इधर भी देखो ये टूटा हुआ ही रोड है। कम ऑन। इधर से मैंने टर्न कर लिया। ये लॉस सैंटोस के लोग ना भाई करने नहीं देंगे मेरे को जिंदगी में कुछ भी नहीं करने देंगे ये, मानते ही नहीं नारायक।
ओके वंस अगेन भाई मैं बता रहा हूँ, ये थर्ड टास्क सबसे मुश्किल होने वाला है, पुलिस को ट्रोल करने वाला। अभी तो नहीं रहे फुल स्पीड में, मुझे कोई दूसरी टूटी हुई सड़क ढूंढनी पड़ेगी। एक बार इधर फाइनल ट्राई कर लेता हूँ। चल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, एक पुलिस वाला आ रहा है। फास्ट कम ऑन सर, प्लीज़ फॉलो मी। ओके दो दो आ रहे हैं, तीन तीन आ रहे हैं। चलो बीच में कोई सा आम मत जाना ट्रैफिक लेके, भाई मैं बजा दूंगा सीरियसली, मैं बहुत गुस्से में हूँ इस वक्त। आओ सर जी आओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, एंड हियर वी गो क्विकली। ओ यस वी डिड इट भाई, वी डिड इट, हियर वी गो। क्या मस्त सीन हुआ, मेरे को फॉलो करने के चक्कर में पुलिस वाला गया डायरेक्टली नीचे। अरे वाह भाई मजा आया, कितना ब्यूटीफुल था ये। अरे भाई एक बार और बनता है यार, एक बार और बनता है। रुको मैं दूसरी कोई टूटी हुई सड़क ढूंढता हूँ, वहाँ वहाँ ट्रोल करेंगे। भाई क्या सेटिस्फाइंग था ये, मेरे पीछे पीछे वो जंप लगा के सीधे नीचे खुद कूद गया, सो सेटिस्फाइंग भाई। आ जाओ सर आप आ जाओ, पुलिस वाले भाई साहब आ जाओ, मेरे पीछे भगाओ गाड़ी, ट्रक वाले हट जाओ साइड में। अरे यार ये नहीं करने देंगे ट्रोल। ओके प्लीज़ आ जाओ मेरे पीछे, अरे आ जाओ। ओ ओ आ रहा है ये तेजी में आ रहा है, तेजी में आ रहा है, तेजी में आ रहा है। अरे आ जा यार, पर रुक क्यों गया तेरी। आ रहा है आ रहा है, एक दूसरा पुलिस वाला आ रहा है। भाई क्या वो सेटिस्फाइंग जंप थी भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। अबे आपस में ही गाड़ियाँ ठोक रहे हैं एक दूसरे की, नालायक के बच्चे। अबे ट्रक वाले आगे मत निकल जाइए, तू तू वहीं रुक, तू वहीं रुक। अरे यार ये नहीं करने देंगे ट्रोल, छोड़ो मैं किसी दूसरी टूटी हुई सड़क को ढूंढता हूँ, वहाँ ट्रोल करेंगे। भाई वो कितना सेटिस्फाइंग था यार, एक बार मेरे को ऐसा मोमेंट और चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ लेट मी हैव दिस भाई, लॉस सैंटोस की पुलिस प्लीज़। एक और टूटी हुई सड़क मिली है मुझे, एंड मैं इंतज़ार कर रहा हूँ पुलिस वाले मेरे पीछे कब आए। आ रहा है एक पुलिस वाला आ रहा है, प्लीज़ यस लेट्स गो लेट्स गो। अरे ट्रक हट जा, ओके नाइस नाइस, आन दो आन दो आन दो, उसे फुल स्पीड में आने दो, कम ऑन लेट्स ट्रोल हिम, लेट्स ट्रोल हिम गाइस, लेट्स ट्रोल। अबे ले उसने मेरे को ट्रोल कर दिया, सीरियसली व्हाट द हेल। फिर से मैं इसी ब्रिज पे तैयार हूँ भाई, किसी दूसरे पुलिस वाले के इंतज़ार में। भाई उसने लिटरली में भाई मेरे को ट्रोल कर दिया, वो मेरे से आगे चला गया बताओ, और मैं गिर गया ब्रिज से नीचे। आ रहा है आ रहा है, एक पुलिस वाला आ रहा है। कम ऑन सर प्लीज़, कम ऑन सर प्लीज़ फॉलो मी, कम ऑन सर प्लीज़ फॉलो मी। अबे ट्रक वाले हट जा, ये ट्रक वाले गड़बड़ करते हैं भाई। अरे आ रहा है 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 आ रहा है, ओ प्लीज़ ओवर। नहीं भाई पुलिस वाला फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आया है। ओके नहीं भाई नीचे नहीं गिर रहे यार, मेरे को ये एक और चाहिए वो सेटिस्फाइंग मोमेंट। मेरा टास्क कंप्लीट हो गया बट वो फील नहीं आया, मेरे को एक बार और करना है वो ट्रोल। प्लीज़ फंस जाओ सर मेरे जाल में, पुलिस वाले सर प्लीज़। आ रहा है आ रहा है, एक दूसरा पुलिस वाला आ रहा है, कम ऑन फुल स्पीड में आ रहा है, कम ऑन लेट्स ट्रोल हिम, कम ऑन यस यस हियर वी गो एवरीवन, ओके कम ऑन हियर वी गो यस। अबे यार ऑलमोस्ट फंस गया था ये भी जाल में, नालायक का बच्चा। एंड में उसने ले लिया टर्न ढंग का। रुको रुको एक आध को और पीछे भगाते हैं। सर आप सर आप सर आप सर आप सर आप भागते हुए आओ, भगाओ सर गाड़ी, भगाओ सर गाड़ी, भगाओ बिंदास गाड़ी भगा ले बे। अरे कितना सर सर बोलूँ गाड़ी भगा। अबे ये तो आ गया गाड़ी भगाते हुए, आ जाओ सर प्लीज़ फॉलो मी। अबे कितने सारे आ गए सामने से, ओके प्लीज़ फॉलो मी। अबे आपस में ही भीड़ लगा ली, आ रहा है फुल स्पीड में, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ओके ओ यस लेट्स गो। अबे नहीं यार वो यहीं टिक गया, वो नहीं गिर गया, वो गिर गया तेरी ऐसी वजह से, गिर ना नीचे गिर नीचे गिर। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल गाइस तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करो भाई, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बाकी टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। अबे इधर भी एक टूटी हुई सड़क थी, छोड़ो अभी बहुत हो गया ट्रोल पुलिस वालों को, चलते हैं। अभी टास्क कंप्लीट तो हो चुके हैं, अब क्विकली चेक करते हैं भाई क्या है उस दरवाजे के अंदर। पहले तो इन पुलिस वालों से पीछा छुड़ाते हैं क्विकली। ओके पुलिस वालों से पीछा छुड़ा लिया है मैंने वैसे तो, बट पुलिस वालों को कोई भरोसा नहीं है, आज मैंने इनको इतना ट्रोल किया है, क्या पता ये लोग ये सायरन वायरन बंद करके मेरे को ट्रोल कर रहे हो ताकि मैं बाहर आऊँ यार मेरे को पकड़ ले। नहीं फिलहाल इतना दिमाग नहीं है लॉस सैंटोस की पुलिस में। क्विकली निकलते हैं गाइस यहाँ से अपने घर की तरफ, एंड उस दरवाजे को अनलॉक करके देखते हैं आखिर क्या है उसके अंदर। चलो ओके और है पुलिस के सायरन की आवाज़, और लिटरली में ट्रोल। नहीं नहीं वो किसी और के पीछे पड़े हैं, लकीली बच गया। चलो भाई अब उस दरवाजे के अंदर देखा जाए क्या है, पैसा है, सोना है, गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी हो सकता है, कोई घोस्ट छुप के बैठा है क्या पता। लेट्स गो ओपन दैट डोर। ओके और भाई ये तो ऊपर से नीचे तक का पूरा ही दरवाज़ा ही खुल गया। ओके अबे खाली है ये तो, इतनी मेहनत इस खाली जगह के लिए। ओ नहीं खाली नहीं है, इधर कुछ है। ओए वेट गाड़ी और पैसा। अरे भाई साहब गाड़ी तो बढ़िया सी लग रही है यार, लेकिन बाहर कैसे ले जाऊं मैं, पीछे का ये तो पूरा हिस्सा ही खुल गया यार।
अरे वाह, मतलब ये गैराज बना रखा है किसी ने। मेरी गैर मौजूदगी में गैराज बनाने की हिम्मत किसकी हुई है? बट जिसकी भी हुई हो, अब ये गैराज मेरा है। गैराज तो मैं हटवा दूंगा, बट अब ये गाड़ी मेरी है भाई। क्या ब्यूटीफुल कार है यार, ये वेनम स्टाइल की कोई गाड़ी नहीं लग रही? वेनम टाइप, सीरियसली में क्या ब्यूटीफुल लग रही है भाई ये गाड़ी। अगर तुम लोग लुक देखो सीरियसली इसका, सिर्फ अगर लुक देखो, अगर लुक पे फोकस करो सिर्फ और सिर्फ लुक, तो लुक वाइज ये गाड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। ओ तेरी, ओ भाई सीरियसली में। एंड पैसे, पैसे कितने हैं उधर? पैसों के 3 बकेट हैं छोटे वाले, आराम से ये 30-40 करोड़ तो होंगे। अबे तो फायदा ही हुआ है यार मेरा तो, ये सारे टास्क वास्क कंप्लीट करने के। ये देखो दरवाजा कैसे खुल रहा है इस गाड़ी का, इतनी ब्यूटीफुल गाड़ी मिल गई। सारे टास्क मजेदार थे, स्पेशली वो लास्ट वाला पुलिस को ट्रोल करने वाला काफी डिफिकल्ट टास्क था वो कंप्लीट करने में, बट जितना ही डिफिकल्ट था उतना ही मजा आया। एंड बदले में मिली है ये सुपर कार एंड वो पैसे। बाकी बताओ गाइस, इतनी मेहनत एंड इतनी ये टास्क कंप्लीट करना, ये वर्थ इट था कि नहीं? बाकी वीडियो को पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में गाइस। यस, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय। क्या मक्खन चल रही है ये ब्यूटीफुल सी गाड़ी। बताओ यार, क्या इस गाड़ी को हमें अपने पास रखना चाहिए कि नहीं? अगर तुम लोगों का जवाब है यस, तो मैं सीरियसली मैं भाई इस गाड़ी को अपने पास रखने वाला हूँ। बाकी नो जवाब है तो इसको बेच देंगे, और क्या बताना भाई कमेंट में, रखना चाहिए कि बेच देना चाहिए। बट ब्यूटीफुल बहुत है ये, एकदम ब्यूटीफुल, खतरनाक।